आपने सुना होगा कि टैक्स लोन नहीं जमा करने पर किसी मकान, दुकान या प्रतिष्ठानों पर तालाबंदी कर सील्ड कर दिया गया, मगर आप सुनकर हैरान होंगे कि सरकारी दफ्तर अधिकारियों की लापरवाही से सील्ड हो गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुख्यालय बैढ़न में स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय को कोर्ट के आदेश पर कुर्की कर तहसीलदार रमेश कोल ने टीम के साथ पंचनामा बनाकर सील्ड कर दिया, जिससे हड़कंप मच गया है। पीडब्ल्यूडी ऑफिस कार्यपालन यंत्री कार्यालय के ऊपरी मंजिल में मौजूद PIU विभाग भी फंस गया, क्योंकि यह पूरा भवन PWD का ही है, जिससे आज 50 से अधिक कर्मचारियों अधिकारियों को दफ्तर से बाहर अपने घर बैरंग लौटना पड़ा। तहसीलदार रमेश कोल के मुताबिक PWD के दैनिक वेतन भोगी 18 कर्मचारियों ने लेबर कोर्ट में अपने एरियर्स और अन्य फंड पाने के लिए 2016 में ही दावा दायर कर दिया। लेबर कोर्ट ने पूरा पैसा 1,47,00,000 भुगतान करने का आदेश दिया था। भुगतान नहीं होने पर सभी 18 कर्मी हाईकोर्ट पहुंच गए, जहां से भुगतान करने का आदेश दिया गया, लेकिन फाइल सिंगरौली से भोपाल तक उलझी रही। फिर कर्मियों ने हाईकोर्ट से आदेश पालन नहीं होने का आवेदन दिया, जिसके बाद कलेक्टर को तत्काल 1,47,00,000 वसूली के आदेश के परिपालन में नोटिस देकर कुर्की की कार्यवाही करते हुए आज कार्यालय में तालाबंदी कर शील्ड कर दिया गया। कार्यपालन यंत्री PWD BS मरावी ने कहा, लगातार जल्द भुगतान कराने भोपाल से पत्र और फोन के जरिए प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। माननीय श्रम न्यायालय सीधी द्वारा वर्ष 2016 में शासकीय सेवकों के बकाया के विरुद्ध RRC जारी की थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सिंगरौली को मांग पत्र भेजा था, और जो 19 बकायादार थे जिनके विरुद्ध RRC फाइल हुई थी, तो उनकी जो कुल राशि 1,47,00,000 रुपए होती है, उसके बकाए के लिए नियत समय दिया गया था, और उस समय सीमा के अंदर विभाग द्वारा बकाया की राशि जमा नहीं कराई गई, इसलिए जो है आज कुर करते हुए और भवन पे, कार्यालय भवन पे ताला लगाने की कार्रवाई की। 99 से लेकर 2015 का तक का उनका न्यूनतम वेतन ये मामला था, तो इसमें उनका जो टोटल वेतन था वो 1,27,00,000 था, जिसमें 2 लेबर का पेमेंट कर दिया गया है, तो आज की स्थिति में 1,15,00,000 बाकी है। ये पूर्व में 2016 का मामला है, इस संबंध में हम नहीं कह सकते कि क्या कहता है विभाग, क्या कर रहा था सर अब तक? अभी तक विभाग में कार्रवाई चल रही है, स्वीकृति न प्राप्त होने के कारण भी पेमेंट वहाँ पे रह गया है।